तेरी ना साड़ी तेरी मेहरबानी पानी मैंने गर्म रखा हुआ था तो ये हमारी चाय है बकर खानी बच्चों की रेडी बहुत जबरदस्त। तो जी फ्रेंड यहाँ पे रेहान भी आ गया बोलो। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम लो सभी से। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग माय स्वीट हार्ट फ्रेंड्स। मैं कहती हूँ सब फ्रेंड्स ठीक हो गए। मैं भी ठीक हूँ। कामरा भी ठीक है माशाल्लाह। बच्चे भी ठीक हैं। अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद साथ रखे अपनी फैमिली के साथ। अल्लाह पाक सबकी दिल की ख्वाहिश पूरी करे। जो लोग परेशान हैं अल्लाह पाक उनकी परेशानी दूर करें। अल्लाह पाक इनकी भी परेशानी दूर करे और सबकी परेशानी दूर करे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे आबाद रखे। अल्लाह पाक जो लोग बे औलाद अल्लाह पाक उनको प्यारी सी औलाद दे। अल्लाह पाक सबके कारोबार में बरकत दे। जो बेटी की ख्वाहिश रखते हैं अल्लाह पाक उनको बेटी दे। जो बेटे की ख्वाहिश रखते हैं अल्लाह पाक उनको बेटा दे। तो जी फ्रेंड मैं सोई हुई थी, मुझे कामरा ने आके जगा दिया। ये शॉपिंग चले गए थे आज जल्दी तो मुझे जगा दिया। तो आते आते मेरे लिए क्या लेके आए हैं, ये नान चने। तो ऐसे देख रहे हैं ये पास बैठा के ना, पास बैठा के तो इन्होंने नाश्ता करवाना है गुल मुल को। मैं ना इन्हू नान बना के रखना। नान बन गई अब, नान बन गई। तो अब ना वो क्या कहते हैं चपाती बना दो, ये बना दो। ये ना काफी दिन बाद में आया हूँ ना, सीए सीए इतनी परेशानी दे लिया ना, आना भी जरूरी है। तो नाश्ता करती है मेरा, नहीं तो मेरे नान चने ठंडे हो जाने हैं। बड़े मजे के नान है कसम से। नान तो कामरन लेके आते हैं ना जब, वाह जी वाह। तो क्या बात है मेरी जान, आज मुझे नहीं अच्छे लगे। क्यों नहीं तिल लगवाए, धनिया लगवा के ले आए आप। कोई थोड़ी डिफरेंट भी होना चाहिए। मुझे तिलों वाले नान पसंद है, मुझे तिलों वाले नान पसंद है, मुझे धनिया वाले नहीं पसंद। लगते पे होता कि ब्याह का ऑर्डर सी तो मैं है ही दे दो सानू। ये देखिए आज मेरे ना वलीमे की ब्राइड भी डैडी करने जाना ठीक है। तेरे तिला ले नाल पे दागे। इधर भी ना तो उधर भी ना। मैं आपको पता मैं खाना नहीं खाती देख का। मेरा सड़क गला खराब हो जाता। हां मेरा गला खराब हो जाता। नाले मनु ते आसवा दे आता पसंद। आज के आज की बनाएंगे। अभी सोचती हूं सोचती हूं क्या बनाते हैं। तो जी फ्रेंड्स आई एम रेडी। मैं रेडी हो गई हूं और यहां पे मेरी भांडी है चाय। जल्दी से चाय पीते हैं और चलते हैं सैलून। यहाँ पे हम खाएंगे बिस्किट, साथ में हमारी बन रही है चाय बहुत ही ज़बरदस्त मज़े की। जी फ्रेंड्स हमारी चाय रेडी है, मेरी जान पी रही है साथ में मैं पी रही हूँ। बस चाय बड़ी मज़े की है, बहुत ही ज़बरदस्त चाय। जिसने पीनी है ना बना के पी ली। ऐसे ही कह सकती हूँ मेरे पास सदर मैं तो पिला, मैंने तो पिलानी थी बना के। और वो देखा था लोग वो कितना अच्छा था, आसमान सोने बनाया हुआ था। वो काजू फ्री किए हुए थे, वाह क्या बात है। और वो बैंगन मिर्चे काजू और प्याज आसमान सोने हैं, कितना अच्छा लग रहा है। मलाइका आपकी कुकिंग बड़ी मजे की है। हाँ। और जो आपने बनाई थी चर्सी कराई, पकाने वाले चर्सी खाने वाले सारे पोल्ट्री। तो मलाइका बनाएगी ना चर्सी कढ़ाई, पोल्ट्री आ जाएंगे, पोल्ट्री खाने के लिए आ जाएंगे। और माशाल्लाह इतना अच्छा लगता है फैमिली के साथ हंसी मजाक जब आप करते हैं। और अबूजर भी माशाल्लाह खीर खा लेता है, बोलता नहीं है, मीसना है। 10 रुपए वाला पापड़ खाता है, वधिया है। माशाल्लाह इतना अच्छा लगता है ना जब फैमिली के साथ बंदा इंजॉय करता है, तो बड़ी खुशी होती है। अल्लाह पाक ऐसे ही खुश रास्ता साथ था। आज ऐसे ही आपको बात रखे आसमा मनसूर मेरी प्यारी सिस्टर, आपके लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। माशाल्लाह बहुत प्यारी फैमिली है। हाँ बहुत अच्छी है। लोग पूरा देखती हूँ मैं, बार बार देखती हूँ, अपने मोबाइल से भी देखती हूँ और कामरन के मोबाइल से भी हम देखते हैं इकट्ठे बैठ के। बड़ा अच्छा और बड़ा मजा आता है। जी फ्रेंड आई एम रेडी। कामरा के साथ में जा रही हूँ सैलून, तो चलते हैं सैलून। जी फ्रेंड मैं पहुँच गई थी सैलून में, फिर कस्टमर आ गए थे, उनसे भी बातचीत होने लगी, उनका काम होना शुरू हो गया। अभी भी मेरे पास कस्टमर है, यहाँ पे काम हो रहा है और मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्या देख रही है, कार्टून देख रही है। हेलो क्या देख रहे हो, कार्टून देख रहे हो आप। यहाँ पे काम हो रहा है और वहाँ पे हम बैठे हैं। अभी मुझे कॉल आई कि मेरी ब्राइड की अभी आपने ना हॉल में आना है, तो उनका यहाँ पे हमारा ये होता है कि निकाह के बाद रेडी करवाते हैं ब्राइड को। अक्सर शहरों में होता है ना कि निकाह से पहले रेडी करवा लेते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने निकाह के बाद रेडी होना है। तो जो ही इनका निकाह होगा तो फिर मैं कहूँ यहाँ पर मुझे कॉल करनी है,
तो ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो, फिर मैंने वहाँ से रेडी करके तो फिर वापस मैंने पार्लर में ही आना है। अभी मुझे उसकी कॉल आई थी, दो दफ़ा आई है, मेरे पास कस्टमर थे, मैंने कहा इनको फारग करके तो फिर मैं जाती हूँ। तो जी फ्रेंड, मैं जा रही हूँ ब्राइड का टिकने के लिए, तो ठीक है सिंह, आप बैठे हो कस्टमर को डील करो, उनका काम करो, तो मैंने आ जाना एक आपकी जल्दी से, ठीक है, बाकी जो पार्टी मेकअप हो गया वो माफ़ी करूँगी। चले फ्रेंड चलते हैं। जी फ्रेंड, मैं जा रही हूँ कामरा के साथ ब्राइड का टिकने के लिए, तो जी फ्रेंड यहाँ पे कितनी क्यूट बच्ची जो आई है, ये सारी मेरी वीडियोज देखती है, यूट्यूब की भी देखती है, व्लॉग मेरे सारे ऊपर देखो। जोहा जोहा कह रही है कि मैंने हेयर स्टिकिंग करवानी है बालों की, इसके कितने प्यारे कितने खूबसूरत बाल है ये, तो ऊपर तो देखो ना जोहा कितनी क्यूट है। फ्रेंड देखे कितनी क्यूट है जोहा, ये देखिए जी फ्रेंड्स, अब ये देख नहीं रही, जैसे ये बड़ी बातें करती है अपनी मम्मा के साथ अपनी आंटी के साथ, तो अब ये मीसनी बनी हुई है। ये तो देखो फेस ऊपर करो, अच्छे ये देखिए फ्रेंड्स कितनी क्यूट है ना जोहा, माशाल्लाह सो क्यूट। चले इनसे बातें करते हैं इसी तरह। तो जी फ्रेंड्स फाइनली मैं हो गई थी फारग, और मेरे पास कस्टमर थे उनको फारग किया, तो मेरी जो स्टाफ है स्टूडेंट वगैरह वो भी चला गई, तो मैं सोच रही थी कि आपके लिए इतनी अच्छी रेमेडी एक लेके आती हूँ। आजकल मौसम भी ज़्यादा सर्दियाँ आ गई हैं, तो मुझे कमेंट आ रहा था कि स्किन बड़ी ड्राई हो रही है, आपकी स्किन में जो डार्क सर्कल है वो बड़े नज़र आ रहे हैं, तो उसके लिए कोई अच्छी सी रेमेडी बता दें। तो ये रेमेडी बहुत ही ज़बरदस्त है, और ये रेमेडी में क्या चीज़ें लेनी है, आपने लेना है एप्पल, एप्पल का आपने ले लेना है जूस निकाल लेना अच्छे से, तो उसका आपने ना एप्पल का जूस निकाल लें, कम अज़ कम 3-4 चम्मच उसके जूस के हो जाए, तो उसके आपने डालना है, उसमें आपने डालना है 2 चम्मच आपने ले लेने हैं आटे के, उसमें आपने डाल लेना है, साथ में थोड़ा सा आपने लेना है 1 चम्मच आपने दही का ले लेना है, इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। एलमंड का जो ना ऑयल होता है ना थोड़ा सा, उसके अंदर आपने ना 3 से 4 जो है ना ड्रॉप जो कतरे होते हैं 3 से 4 कतरे वो आपने ऐड करने हैं, तो उसका आपका बड़ा अच्छा सा मार्क्स बन जाएगा। वो आपने ना 15 से 20 मिनट फेस पे लगा के ना, तो उसकी ना बड़ी हल्की हाथों से उसकी मसाज करनी है। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है, आपने ज़रूर इस्तेमाल करनी है, और मुझे अपने कमेंट में भी बताना कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी। ये आप अपने हाथों को और पाँव को और फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, नेक पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आजकल स्किन बड़ी ड्राई हो रही है, और फेस पे जो निशान है जो डार्क सर्कल है, फेस पे जो फाइन लाइन है, कोई पिगमेंटेशन है, वो सबके लिए है। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेमेडी है, आपने ज़रूर इस्तेमाल करनी है, और मुझे आपके कमेंट में बताना है कि वो आपको रेमेडी कैसी लगी। आटा है, जूस है, और आपने एलमंड का जो पाउडर होता है वो, जो एलमंड का ना पाउडर भी लगा आप ले सकते हैं, और एलमंड का जो होता है ना ऑयल वो भी आप डाल सकते हैं, जो सी आपके पास चीज़ मौजूद है ना उसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी, आपने ज़रूर इस्तेमाल करनी है, और मुझे कमेंट में बताना है ये रेमेडी आपको कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स। तो जी फ्रेंड यहाँ पे कौन आया मुझे लेने के लिए, ये देखिए मैं दिखाती हूँ, कामरा साहब आगे लेने के लिए, तो मैंने इनको कॉल की थी, ये वो सोए थे, और माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे भी आ गए हैं ना, कामरा बच्चे भी माशाल्लाह आ गए हैं, तो ये बच्चे भी जो है ना घर जाते हैं, वेट करते होंगे कि मम्मा भी दिखाई नहीं है, तो कामरा साहब मुझे आगे लेने के लिए। तो जी फ्रेंड चलते हैं घर, सब लोगों को करते हैं क्लोज, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय करते हैं, चले चलो जी चलते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, माशाल्लाह आसफा और मैं कुछ 6-7 दिन दे विच ना मैं एक चीज़ देखी कि एक प्रॉब्लम दी वजह नाल आसफा तो दूर रहा, ते वजह है कि ऐसी दा एक पता चलिया कि 6-7 दिन आसफा तो दूर रह के ते मेरी की सिचुएशन हुई है, ते जे ते अगर कुछ साढ़े दोवां दे विचों किसे नूं कोई प्रॉब्लम हो जाए तो असी तो एक दूसरे के बगैर एक मिनट भी नहीं रह सकते, और जितने भी साढ़े फ्रेंड्स है ना कम अज़ कम हसबेंड वाइफ नू तो ऐसा मामला तो होना चाहिए कि एक दूसरे तो कोशिश करो कि अगर पास होंगे ना तो कदर करया करो, और हर टाइम ज़्यादा ज़्यादा नाल गुजारया करो, और इंशाल्लाह असी तो जिंदगी दे विच कदी यह होया ही नहीं कि एक दूसरे बगैर एक मिनट भी रहने हैं, मगर यह है कि कुछ दुनिया दे विच दस्तूर ऐसा बने होंदा है
के ओ दुश्मन दुनिया वाले कुछ ऐसे भी होंगे ना कि जेड़े दो प्यार करने वाले प्रेमी या चाहत वाले उन्होंने दूर करते हैं और रीजन बड़े होंगे ने शादी तो बाद भी होंगे ने ते कुछ प्यार करने वाले की शादी तो पहले भी होंगे ने शादी तो बाद आलिया होंगे कि अपने बच्चों तो अपने बीवी तो बंदा दूर उदो होंगे कि खुद तो भावे ना भी कोई गलती हो मगर कुछ लोग जेड़े ऐसे होंगे ने कि वो किसी भी गलत इंसान के नाल इनवॉल्व करके सही इंसान नू ते दूर कर देंगे ने मगर है कि कुछ चीज़ा शेयर करना नहीं होंगे कुछ नहीं असं नहीं चाहते कि साढ़े फ्रेंड्स है साढ़े कोई तकलीफ दे विच उन्होंने अं रखिए असं कहने खुशी खुशी च रखिए क्योंकि वह जिस तरह का सू देखते हैं ना तो असं उस तरह का ही उन्होंने नजर आना चाहते हैं और असं है भी हैप्पी हैं माशाला और जिस तरह की भी सिचुएशन होंगी ना अगर आसवा मेरे नाल है ना तो हैप्पी है तो है भी नाल है तो इंशाला दूसरी चीज है कि तुसी बस दुआ कर दिया करो आसवा कामरान ली अगे अल्लाह इंशाला असी तो वैसे ही सारे लिए दुआ करने हैं ते जबरदस्त होएगा और आपकी मोहब्बत है हमें पता है कि आप बहुत प्यार करते हैं हमारी YouTube फैमिली माशाल्लाह और सारे सारे फ्रेंड्स सानू कह रहे सी कि सानू प्रॉब्लम शेयर करो प्रॉब्लम की शेयर करनी है कुछ होनी है तो खुशियां ही शेयर करांगे प्रॉब्लम जड़ियां ना इंशाल्लाह असी सॉल्व कर लांगे ते बस आपकी मोहब्बत और चाहत की बस जरूरत है और कुछ नहीं और बहुत शुक्रिया बहुत हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम गाइस क्या हाल है यार आप ठीक हो फ्रेंड सभी आपको इतना मिस कर रहे हैं कह रहे किधर है फ्रेंड्स पप्पी आई लव यू से फ्रेंड्स आई लव यू टू चलो आई लव यू टू कह दो यात्री मुझे मिले थे तो बड़े खुश हो गया हूँ मैं भी खुश हो गई हूँ बच्चे मामा की जान मामा के लाडले तो इंशाल्लाह आपको अच्छी एक्टिविटी मिलेगा कि बच्चों के साथ एंजॉय करते हुए तो इन्होंने कुछ खाना था नूडल्स वगैरह तो खाना वगैरह मैं इनके लिए बनाने वाली हूँ तो जुकाम भी हो गया मेरी मुझे भी तबीयत ख़राब हो गई है मौसम बहुत सर्दी है यहाँ पे शक्करगढ़ में तो बच्चों के लिए मैं कुछ बनाती हूँ चलते हैं तो जी फ्रेंड यहाँ पे रेहान भी आ गया बोलो हाँ जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम बेकरी का सामान वगैरह कबाब खाने क्या लेके कबाब और टिक्के अच्छा अभी रात का इतना टाइम भूखना अच्छा चलो जी चस्का करें कोई चस्का करना है चलो चलो जी बच्चों को खिलाते हैं खाना लेके आओ अंदर चलो आप चलो रूम में मैं खाना लेके आती हूँ जी फ्रेंड खाने वाले हैं फैमिली खाना चलो गुलो आ जाओ सुबान चलो मैं जान यहाँ पे चलो जी खाना वाना खाने वाले हैं बच्चे तो बच्चों के साथ हम भी इंजॉय करते हैं है कि ना तो जी फ्रेंड यहाँ पे हो गया है खाना खाने के बाद रेहान लेके आए हैं फ्रूट चाट क्रीम चाट रेहान क्रीम चाट तो बच्चों ने खाना खा लिया और हमने भी बच्चों के साथ ही खाना खाया बहुत मज़ा आया जी कामना को बहुत नींद आ रही है और बहुत सर्दी लग रही है साथ साथ खाना भी खा रहा है साथ साथ अब ये खाएंगी ना और सर्दी लगेगी कंबल से बाहर निकले ही नहीं है इधर बैठ के खाया आज वाकई बड़ी सर्दी है शक्करगढ़ में तो आज हमने रूम में बैठ के खाना खाया इधर ही बैठ के ऊपर सभी ने रहा डालो और बस खा लो कुछ नहीं होता ले लो और ले लो यहाँ पे बनाने वाली हूँ चाय रिहान यान संभान इन्होंने खानी है बाकर खानी तो यहाँ पे मैं आप करने वाली हूँ अपने बर्तन वॉश गर्म पानी करके फ्रेंड्स हमारी चाय हो गई है रेडी और कौन कौन खाता है बाकर खानी किसी को पसंद है सर्दियों में बाकर खानी और ये बोल हो ना तो ये सही है मैंने ये बोल जो ना नहीं खोले हैं तो इसके अंदर हम डालेंगे चाय बच्चों की इन्होंने इस तरह खानी है बाकर खानी इसके अंदर भी डालते हैं ओके साथ में चाय डालते हैं इसके अंदर बहुत ही मज़ा आता है बकर खाने का बच्चों ने यही खाना था खाने के बाद चाय के साथ बकर खाने सोनिया शादी है ये चनमकनी है हाँ जी फल पतीनी है सारी बकर खानी बकर खानी है किन्ना ने खानी है बच्चे कहने खानी है
मम्मा के हाथ की चाय का दिल कर रहा था पीने को, मैंने डाली चाय, चाय डालो इसके अंदर, सस्ता है ना, बहुत अच्छी बकर खा रही है। चाय हमारी रेडी है जनू, ना पतीली ना नहीं साड़िया कर, मुंतो ने पहन दी है। अच्छा तो फिर ये देखिए दी हमारी बकर खानी मैंने ना। ओहो बच्चा सारे वाश कर देते हैं। हाँ जी रहने दे यार, इधर असी कादे ली सी, मैंने कहा चलो कर देती हूँ, एडे एडे सुने आता है मैं भी, मैंने कहा चलो कर देती हूँ, तो फिर मैंने चाय बनाई। बाकी खाने को चाय भी लगती है ज्यादा, इसलिए मैंने ज्यादा बनाया। फ्रेंड्स मैं ना उस वाली बर्तन धो दिना, बड़ी खुशी होती है जो मैं बर्तन धोवा ना, सब ना बर्तन धोने बड़ी खुश होती है अज जाने बर्तन तेरी ना साड़ी तेरी मेहरबानी। पानी मैंने गर्म रखा हुआ था, तो ये हमारी चाय है, बकर खानी बच्चों की रेडी, बहुत जबरदस्त हो गया। चाय देखिए कैसे निकाली है इसमें, कहते मम्मा बकर खानी खानी है हमने, कच्ची चलो ठीक है ये भी खाएंगे, बाकर खानी और मामा जा रही है दूसरे रूम में, और ये खा के ना आपने गुड नाइट हो जाना। ओके मामा की तरह से अल्लाह हाफिज, और खाओ और एंजॉय करो, ठीक है। तो जी फ्रेंड्स मेरा हो गया है पीनट टाइम, लेकिन मुझे ना जुकाम भी था, लेकिन मेरा दिल भी कर रहा था काम लेके आया था, ये पीनट बड़ी गर्म गर्म थी और बड़ी मजे की, साथ में मेरी चाय है, और मैं तो अभी बच्चों को दे के आई हूँ, तो काम ने चाय पी भी ली थी जल्दी, तो ये देखिए जी पीनट, मैं बड़ी गर्म चाय पीना। तो यहाँ पे देखिए देखिए टिंकू जो है ना कामना के पाँव दबाने वाला है, अब एक दबाएगा कामना के साथ ही सोना है सीधी सीधी पाँव के पास। तो यहाँ पे मेरी चाय है, चाय मैंने अपने दोबारा बनाई है, बच्चों ने वो भी चाय बाकर खाने में मैंने डाल दी, अब मैं खाने वाली हूँ पीनट, बड़ी खस्ता है। तो जी फ्रेंड्स खाना वगैरह खा लिया, चाय वगैरह पी ली, पीनट भी मैंने खा ली, और कामरान को भी खिलाई निकाल निकाल के, काट के आसपास नहीं खिलाई है। कामरान तो अपना मोबाइल में बिजी थे, और मैंने कहा चले मैं खिलाती हूँ, और साथ में हमने पीनट भी इंजॉय की, साथ में चाय भी, मुझे बहुत मजा आया। तो सभी फ्रेंड्स के लिए लव यू हो गया, जो हमें देख रहे हैं, जो इतना प्यार करते हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, आपस में अपनी लव यू हो गया, बुशरा अपनी लव यू हो गया, हरिया मिर्चा खा दी आज आसमा मनसूर ने बड़ी मिर्चें खा रही हैं, और मनसूर भाई बड़ी मिर्चें पसंद है आपको भी मेरी जैसे कामरान जैसे, और माशाल्लाह मनसूर भाई की बातें बड़ी मीठी, बहुत मजा आता है, मलाइका और मानूर की शरारतें, और अबूजर जो है खाता पीता है और मीसना है बोलता नहीं है, मजा आया मजा आया, और माशाल्लाह अल्लाह पाक ऐसे ही आपकी फैमिली को भी हमेशा खुश और आबाद रखे, और माशाल्लाह क्यूट डोल अल्लाह पाक सबको खुश रखे जो मेरी फैमिली में है, जो मुझे देख रहे हैं। बाबर भाई आपके लिए भी बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं, अल्लाह पाक मेरी जो यूट्यूब फैमिली है उनको भी हमेशा खुश आबाद रखे, गुल मेरी शहजादी है जोत सबके लिए बहुत 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 दिल से लव यू हो गया। अगर आज की एक्टिविटी अच्छी लगे तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक और बेल आइकन बटन को प्रेस, ताकि तमाम जो मेरी वीडियो आपके पास आती रहे। आसफा ने वैसे भी काफी देर में मसरूफ रहना, कल भी हाँ कल भी अभी बिजी थी सारा दिन सैलून में, कल भी बिजी है, हाँ कल संडे है तो कल भी मेरी ब्राइड है और मेरे सैलून में होगी, तो इंशाल्लाह ओके अल्लाह हाफिज़ बाय फ्रेंड्स।